नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद थ्रेस में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएससी के रिगार्डिंग। दोस्तों आप लोग के पता ही होगा कि आज 23 सितंबर है और आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर महा आंदोलन होने जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग से नर्म निवेदन है कि ज़रूर इस प्रोटेस्ट में शामिल हों, क्योंकि अभ्यर्थियों के भविष्य की बात है। जब आयोग किसी एग्ज़ाम को कम्प्लीट करने में 8 साल लगा रही है और 8 साल में अभी तक भी पूर्ण नहीं हो पाया है, और जैसा आयोग का रवैया है उसके अनुसार अभी भी 2-4 साल और लग सकते हैं, क्योंकि आयोग 7 साल सुनने के बाद में 1218 नए अभ्यर्थियों को फिर से रिजल्ट जारी कर उन्हें मेंस एग्ज़ाम और सारा प्रोसेस कंप्लीट कराने वाला है। और एक प्रोसेस कंप्लीट कराने में 7 साल लगाए हैं, अब इन अभ्यर्थियों को कितने साल लगाएंगे वो तो कह नहीं सकते। और जो भी अभ्यर्थी आगे होने वाले भविष्य में बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आगे भविष्य में जो वैकेंसी आएगी उसका भी प्रोसेस आयोग कछुए के चाल में करेगा, जब तक हम लोग एक बहुत ही बड़ा महा आंदोलन और आयोग पर दबाव नहीं डालेंगे, जब तक इनका स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। तो दोस्तों आप लोग से नर्म निवेदन है कि ज़रूर जल्द से जल्द 11 बजे तक आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुँचने का कष्ट करें। दोस्तों हमारे इस महा आंदोलन में जो मांगे हैं आपको बताने जा रहा हूँ। भी काउंसलिंग अक्टूबर में ही कराया जाए, 1218 नए पीटी पास में कितने छात्र मेंस के लिए आवेदन किए आयोग इसकी भी सूचना जारी करे, 2016 वाले सभी अवैध फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, तकनीकी गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जाँच किया जाए, और 52,784 मेंस सफल छात्रों का मार्क्स तथा रैंक लिस्ट जारी किया जाए। तो दोस्तों हमारी ये 5 महत्वपूर्ण मांगे बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के रिगार्डिंग है, और अन्य मांगे हैं जो भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम हैं उनका सारा जो एग्ज़ाम प्रोसेस हो टाइम टू टाइम हो और अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नौकरी मिल सके। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। दोस्तों अगर आप इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं तो साथ में एक टैबलेट ज़रूर निकलवा लें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्शन टाइम पे, तो सिलेक्शन टाइम पे क्यों नहीं भाई, बीएसएस सचिव अध्यक्ष इस्तीफा दो, इन सारे टैबलेट के साथ में आप लोग ज़रूर शामिल हों। दोस्तों इस वीडियो को लिंक में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप प्रिंट करवा करके अपने साथ में ला सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इस महाप्रोटेस्ट में शामिल हों, क्योंकि अभ्यर्थियों की भविष्य की सवाल है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर आइएगा।